राज की बात यह कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। पार्टी हर हाल में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। इसे लेकर पार्टी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियों में कोई कोर कसर ना रह जाए, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। 29 जून को वो पंचकुला आए और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा और नायब सैनी के नाम का ऐलान भी कर दिया। अब 17 दिन बाद फिर से 16 जुलाई को वो महेंद्रगढ़ आएंगे। अब बात करेंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली की, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हमारी टीम ने उनसे खास बातचीत की, आप भी देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी हो या दूसरे दल अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की। मोहन लाल बडौली को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद सूर्या समाचार के बड़े शो राज की बात के माध्यम से एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर ने बात की। राज की बात में मोहन लाल बडौली से बीजेपी की जीत के रोड मैप को लेकर सवाल किया गया। सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद आपका रोड मैप क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप काम करने वाले हैं, क्या नई चीजें आप ऐड करने वाले हैं, क्योंकि पन्ना प्रमुख तक तो बीजेपी पहुंच चुकी है, घर घर में बीजेपी पहुंच चुकी है, तो आपके पास आगे का रोड मैप क्या है, कैसे उन्हें क्रियान्वित करेंगे तमाम चीजों को? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता है, वो जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हरियाणा सरकार की है उनको लेके जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो आगे का विजन है वो भी हम बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं वो भी हम बताएंगे, और जो लोगों को सुविधा देने का काम किया है लोगों ने उसको स्वीकार किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा वोट के रूप में आशीर्वाद दिया है। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर ने राज की बात के स्पेशल कार्यक्रम में विपक्ष को लेकर भी कई सवाल किए। विपक्ष पर हुए सवालों का भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बेबाकी से जवाब दिया और विपक्ष के दावों को फेल करार दिया। एक सवाल जहन में ये भी आता है, जब आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, शिक्षा की बात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी बता दें, लगातार वो एक लंबी फहरिस्त लाते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ और उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या जवाब? 2014 से पहले कितनी हरियाणा प्रदेश में यूनिवर्सिटी थी उसका ऑन रिकॉर्ड है, और हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता है। हमने जिस प्रकार से सारा नेटवर्क खड़ा किया है जी, और 14 के बाद कितने हॉस्पिटल बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने कॉलेज बने, हर 20 किलोमीटर पर महिलाओं के लिए कॉलेज, 2014 से पहले के आंकड़े सारे सरकार के पास हैं। और आजकल तो हमारा युवा इतना जागरूक है वो नेट पर सर्च करके सारी चीज़ें देखता है। बिजली का भाखड़ा बांध बना था तब ये कहा था कि इस पानी से बिजली निकाल ली गई है, पानी फोका है जी, और जनता ने वो बात मान ली। भ्रामक प्रचार किया जाता, भ्रामक प्रचार हुआ था। इस लोकसभा चुनाव में भी उसी प्रकार का कांग्रेस ने जो दो मुद्दों को लेकर प्रचार किया है, और आज हरियाणा की जनता, देश की जनता उस जो कांग्रेस का इतना बड़ा झूठ जनता ने मान लिया है कि वो अब वो बार बार वो काट की हांडी एक बार चढ़ी है, बार बार नहीं चढ़ेगी, बार बार चढ़ेगी नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार जीत का दावा कर इतिहास रचने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश में 60 पार का नारा दे रही है। सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम राज की बात में मोहन लाल बडौली ने कांग्रेस के नारे को दरकिनार करते हुए सरकार बनाने का दावा किया। अब देखना होगा कि बीजेपी विपक्ष को पीछे धकेलते हुए कैसे जीत हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।